एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर में सब्जी देने आता था। वो मुझे रोजाना गाजर देता और कहता, ये खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद न थी क्योंकि पति नामर्द था, ऐसा लोगों का कहना था। जबकि सच मैं जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला था, लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से वो गाजर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा। बस इसकी एक ही आदत अजीब थी कि वे रोज रात को मेरी आंखों पे पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब कुछ काफी अजीब लगता था, लेकिन इसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने इसके आगे एक सवाल ना किया। दिन भर वो घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध देता था। मुझे काफी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर वालों के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था, इसीलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 12 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद न हुई तो सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मुझे सास से डर लगता था, अगर वो मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरा क्या इज्जत रह जाती, इसीलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले ने सब्जी देनी शुरू की थी, वो हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं होती है, तो मैं कहती शायद रब की मर्जी नहीं है और वाकई ये सब रब के हाथ में ही होता है। इस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है आप पर जरूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पे शादी के बाद ऐसे साये हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका औलाद नहीं हो पाता। हमारे पास एक ऐसी गाजर का बगीचा है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाली औरत को खिला दी जाए तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने उसे शक की नज़रों से देखा, ये कैसा गाजर का बगीचा है, भला गाजर खाने से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने उसकी बात पे जरा भी यकीन न किया था, मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी लिखी और उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी, अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो वो मुझे तलाक दिलाने में जरा भी देर ना करेंगी। पहले ही वो मुझे इतनी बुरी नजरों से मुझे घूरने लगी है, और जैसा बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो, ना भाई ना, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। मैंने उसके मुंह पे साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे डर क्यों रही हो, और आपको पता है आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती है क्योंकि उन्हें पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएंगी, सारा सारा दिन देख लेना। और पहली बात, आपको सास या किसी और को बताने की क्या जरूरत है, जब मैं नहीं बताऊंगा आप नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा, आप फालतू में इतना सोच रही हो, एक बार या सब कर कर देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते ही लालच दिया था और मैंने सोचने का वक्त मांगा था, मुझे आज सोचने का वक्त दो, ये कहते ही मैंने उसके कमरे का रुख किया था। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वह सब्जी वाला बड़ा बेचैन हो कि बस कैसे भी मैं हाँ कह दूं। न जाने मेरे गाजर खाने के पीछे इसका क्या मकसद था, लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम तो नहीं करने जा रही थी, बस औलाद के लिए गाजर ही खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे वहाँ एक और सही। अगले दिन मैंने हामी में जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही इसके चेहरे पे एकदम से अजीब मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे मैंने नोट किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहते हुए भी उन सब बातों पे यकीन करने के लिए हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुपाकर गाजर खाने लगी थी।
जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नजर ना था तब जल्दी से मेरे गाजर कर देता, जिसे मैं अपने कमरे में छुपाकर ले जाती। और जब मैं सब्जी वालों से वो गाजर लेकर खाने शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने जिस्म में होने वाले बदलाव का एहसास होने लगा था। अब मुझे यूं लगता था जैसे सांस मुझ पर नजर रख रही हो। इस रोज जब सब्जी वाला मुझे गाजर दे रहा था तो मैं अभी मुड़ ही रही थी कि मेरी सांस मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे घूर कर देख रही थी। इसे यूं देखकर मुझे तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। जब उसने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होंठ के पास से कुछ साफ किया था। बहू, अगर गाजर इतनी ही पसंद है तो अंदर जाके खा लेती, भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है, क्या अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। जाओ, जाकर जल्दी सब्जी बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। मैंने जल्दी से सास से माफी मांगी थी और सब्जी बनाने किचन में चली गई थी। लेकिन सास की बात पे कुछ देर के लिए मेरा रंग सफेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को सब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था, आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के अंदाज बिल्कुल नॉर्मल रखने होंगे और बिल्कुल भी बौखलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पे पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी। सास ने और सब्जी वालों को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए इजाजत दे दी थी। अब वो रोज सुबह सवेरे वो वक्त जाता और ताजा ताजा सब्जी लेकर आता। मुझे सास की हरकत की अजीब लगती थी, लेकिन वो लोग इस गांव के अमीर लोग थे, उनकी अपनी हवेली थी, इसीलिए कभी कभी अगर खुश होते यूं ही गरीबों पे मेहरबान हो जाते थे। इसीलिए मैंने ज्यादा देर बात को अपने दिमाग पे सवार नहीं किया था। लेकिन मुझे अब यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पे नजर रखी हुई है। मैं जहां जाती थी सास को पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच जाती थी। और अब सास का सब्जी वालों को अपने घर में पनाह देना, ये सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। अब तो यह महसूस होने लगा जैसे वो सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन उन सबको अपना वहम ही समझती रही। गाजर खाते हुए मुझे एक महीना हो चुका था जब इस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। और जो बात मुझे पता चली थी, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया और अकेले में सब्जी वालों को बुलाकर इसे पैसे भी दिए और इसका भी शुक्रिया अदा किया। और मुझे यूं खुश देखकर वो सब्जी वाला अजीब सी हंसी हंसा था और बोला था, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। इस वक्त मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने जल्दी से हामी भर ली थी। तुम जो भी कहोगे वो सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैंने पूछा तो वो अजीब तरीके से हंसने लगा था। कहने लगा, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसीलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूंगा। लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आप इंतजार करें, मैं खुद बता दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो गाजर मैं रोजाना देता हूँ, अब इसमें नागा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो अपने लबों पे एक अजीब धुन बजाता हुआ चला गया, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था।
अब तो मैं गलती से भी गाजर खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतनों सालों बाद ही खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास तो सबको मिठाई बांट रही थी, गरीबों को सदके दे रही थी, हवेली को पूरे फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का इंतजाम भी किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। इस सब्जी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब कुछ सही हो जाएगा। और वाकई सब सही हो गया था। सास तो सही हो गई थी, लेकिन अब रोज मुझे गाजर खानी पड़ती। पर सब्जी वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन उसने मुझे एक घंटा अपने पांव दबाने को कह दिया था। अब मैं यह सब करते हुए काफी परेशान लगने लगी थी। अगर सास मेरे पति को ये सब मेरे बारे में पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। नहीं, वे सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं गाजर नहीं खाऊंगी। फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा? अगले दिन सब्जी वाला मुझसे कपड़े धोने को कहने लगा। मैंने गाजर खाने से मना करके कर दिया। सब्जी वाला कहने लगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चलकर आई तो मैं तुम्हें खाना अपने हाथों से न सिर्फ बनाना होगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, इतने तो मुझे सीधी साधी धमकी दे दी थी। इसे यकीन था मैं जरूर आऊंगी। लानत है तुम पर और तुम्हारी शर्त पे। जरा सा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं शादीशुदा औरत हूँ और अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैंने गुस्से से कहा था। तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी तो मेरी वजह से हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने का तो नहीं कहा था? मैंने गुस्से में कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खाऊंगी गाजर, मैंने गुस्से से कहा और अपने कमरे में चली गई। इसके एक घंटा बाद मुझे अपनी कमर और पीठ में बहुत दर्द महसूस हुआ था। मैंने दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तब मुझे वह सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वो गाजर ला कर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। मैंने दवाई खाई थी। इसके बाद वाकई शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना भी किया था, लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और खाना बनाया और कपड़े धोकर स्त्री अपनी कामवाली से कराकर इसे खुद देने गई थी। और इसके बाद ही सिलसिला चलता रहा। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी अब खुश थी। एक बार यह बच्चा पैदा हो जाए, इस सब्जी वाले का तो मैं वो हश्र करूंगी सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पे बहुत भारी गुजरी है। मुझे अपने पति की बजाय इस सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी छुप छुपा कर, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा अजीब वाक्या हुआ था। मेरे पैर पे सूजन आ गई थी। मैं सहन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से इसको एक साइड पे किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहां पे एक सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा। सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था।
लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक न था, ढीठ बना खड़ा था। मुझे इसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के लोगों पे हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी, वो क्या साबित करना चाहता है? और फिर मेरे पास आकर बोला था, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, ये मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी, डर के मारे जिसे सुनकर मुझे कपकपी होने लगी थी। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर इसे थप्पड़ दे मारा और एक अलग जगह पर ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में छुपाकर लाकर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था, शायद वे पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर यह सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ये सब करवाया था? लेकिन क्यों, वे ऐसा क्यों चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ वैसा करने के एक नजायज बच्चे को पैदा करवाना क्यों चाहती थी? और उन सबसे भी ऊपर एक और थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था कि वो भी उन सब में शामिल थे? लेकिन कोई इज्जतदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता था? इसकी बीबी को कोई और इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन मैं बहुत तेज बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो यह बात भी कंफर्म करनी थी कि बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बिना पे मैं यह कहती कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं। और मेरे पति से सीधा सीधा पूछकर मैं इसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस भी ना पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद छुटपाकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हमारे साथ हो। इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था, एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन इस रोज सास घर पे मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकरानी भी नजर नहीं आ रही थी और पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं इसको देखकर चिल्लाते इसने मेरे मुंह पे रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही थी। जब आंखें खुली तो मैं बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मैं बिस्तर पे बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था यह सब सब्जी वालों का ही काम है। शायद सास भी उस सब्जी वालों के साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वे दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी वाला सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वालों की बातें मानना, इसे पैसे देना, इसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा अगवा होना, यह सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरे गायब होने का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़े गिरे हुए चरित्र का कहकर बुलाती। मैं सोच सोच कर और ज्यादा रोने लगी थी। इस वक्त अचानक दरवाजा खुला और मेरी शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था।
इसे देखते ही मैंने इसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पे यूं इल्जाम न लगने दो। अगर मैं न गई तो सब मुझे चरित्रहीन नजर से देखेंगे और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो इस वक्त। बार बार वो मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, यह सब तो तुम सब जानने के बाद ऐसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसीलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखलाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा, लेकिन इस घर तुम जाना नहीं चाहोगी। सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू किया था, मेरा ताल्लुक इसी गांव से है जहां पे तुम शादी करके आई थी, और ये बात शादी से पहले की है। मेरे बाबा नशा करते थे, जिसकी वजह से इसने अपने ही बेटी को जुए में हरा दिया था, और जब लोग पैसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए गलती से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन ये चार लड़के नहीं माने। मैंने उनके सर पे डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर मौसी के पास चला गया, मौसी यानी कि तुम्हारी सास, और उनसे मदद की दरख्वास्त की। इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी जिसे बगैर सुने मैंने हामी भर दी। इसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी, मेरे बाप को नशा न मिलने की वजह से गुस्सा पागलखाने में आकर वहीं पे उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी शादी करवा दी, लेकिन मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। वो जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करता गया। उनका बेटा नामर्द था, इसके पहले 3 बार उसकी तलाक हो चुकी थी। इस बार उसने शादी करने का कहा। दुनिया वालों के सामने उसकी शादी हुई थी जो कि उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी सौरभ है। उसने कहा था कि जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से करना पैदा, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहती और इसकी शुक्रगुजार रहती। जब वो तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध देता तब मैं कमरे में आता था और वो चला जाता था। वह बस पति होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं गाजर पे पहले तो ऐसी दवा छिड़कता जिससे ताकत आए और प्रेगनेंसी न ठहरे, लेकिन जब मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वो दवाई बदल डाली और अब मैं ताकत की दवा गाजर पे छिड़कता। लेकिन जब तू प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा डालना बंद कर दी थी। वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता? इस दिन जब तुमने गाजर खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला शुरू में बच्चे में ऐसा होता है, और तुम मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चों को महसूस करूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वह सब नाटक किया। इस रोज मैंने मौसी से कहा था कि और अब नाटक मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो ये तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चे को मार देगी। मैं डर गया था इसीलिए चला गया, लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना
खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। मौसी कुछ भी नहीं कर सकती, वो जानती है तुम्हें मैं लेकर गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वो तो बस बच्चा दिखाकर सबको ये साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वो लड़कियां ही बाज थी और लोगों में अपने और अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए नाटक कर रही है। जब वो खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पे बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने ही नहीं मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। मैं दोबारा वहां नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उन माँ बेटों की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं इसके साथ शहर में ही रही। मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ न बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सच बताकर मौसी का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसे सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ और हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। सब लोगों ने मेरी सास पे थू थू की थी और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन उन दोनों को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए ये सब किया था, इसीलिए मैंने इसे माफ कर दिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।